तो राम काज पर बाबरी गैंग को ऐतराज क्यों? यूपी मांगे उत्तर में आज यही बात हो रही है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको सवाल दिखाएंगे और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा प्राकार PRAAR प्राकार प्रभु राम के मंदिर में सबका मतलब आमंत्रण है, कोई भी जाए दर्शन पर, सबको लिए दर्शन खुले हुए हैं और हर सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को जो भारतवासी से वहाँ पहुँच करके प्रभु राम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सो रिलीजन इज समथिंग वेरी पर्सनल, डोंट नेशनलाइज, डोंट यूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. Allah se dua karenge is baat ki ke Allah Taala ke is Babri Masjid jo humse chhin li gayi hai wo hame wapas de di jaye. Ke wo dua na kare, Allah ne unki dua sun li hai. Aur Supreme Court ne jo faisla diya hai उसके अंदर मंदिर भी बनना है और मस्जिद भी बननी है, तो दुआ तो उनकी कबूल हो चुकी है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले। अब राम के कृपा से भाजपा शासन में है तो उनको ये लगेगा ही खराब लगेगा, राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। तो आपने रिपोर्ट देखी, जो वार पलटवार हो रहा है, जो राजनीति हो रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। आज जो हमारे सवाल है, पहले उन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर पर अब भी सियासी ब्रेकर, एक बड़ा सवाल है, मंदिर पर अब भी सियासी ब्रेक कर क्यों, जबकि अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 के बाद थमेगी मंदिर पर सियासी मावर, सैम के बयान से राहुल सहमत या असहमत, यार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बाबरी के बहाने मुस्लिमों को भड़का रहे हैं बर्क, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क गाये बगाये बयान दे रहे हैं मंदिर पर। भाई अब तो मंदिर बन रहा है, बन चुका है, अब उद्घाटन की तैयारी हो रही है कुछ दिन बाद, फिर ये बयानबाजी क्यों? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप बयान मत दीजिए, कोई हिंदू मुसलमान करेगा ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं, अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रखर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीताराम दास हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रखर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हालांकि दर्शकों को बता दें कि सैम पित्रोदा हैं कौन। सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, राजीव गांधी के करीबी रहे हैं। सैम पित्रोदा अक्सर चुनाव से पहले विवादित बयान देते थे, पुलवामा पे उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने पुलवामा पे पाकिस्तान की हिमायत करते नजर आए थे। और सैम पित्रोदा की अगर और खासियत जानिए तो सैम पित्रोदा भोपाल गैस त्रासदी, याद होगा आपको, जब उनसे पूछा गया था कुछ पत्रकारों ने, तो उनसे पूछा गया था कि वो लोग भाग गए, तो उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया, वो है सैम पित्रोदा। प्रखर सिंह जी, आप लोगों की टेंशन बढ़ गई है कि राम मंदिर को लेकर? देखिए, राम मंदिर बन रहा है, इसका सभी ने स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बन रहा है, ये किसी भाजपा के कारण तो बन नहीं रहा है, सभी लोगों ने स्वागत किया है। इसमें टेंशन किस बात की? प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं वो सब खुश हैं, और मुझे लगता है सभी धर्मों ने इसका स्वागत किया था, सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने स्वागत किया था, तो इसमें कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस लिए लड़ती है? कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के लिए लड़ रही है। जब बेरोजगारी चरम पर है, जब नहीं मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए मंदिर, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अरे बनना क्या नहीं चाहिए, हमने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, तो बनने दीजिए ना। आप क्यों ऐतराज कर रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर कोई बयान देते हैं तो उसको आपको मानना चाहिए। अध्यक्ष ने कोई बयान नहीं दिया, राहुल जी ने कोई बयान नहीं दिया,
पार्टी चले। आपसे बात करेंगे सर, आप अभी अंधेरे में हैं, थोड़ा सा आप उजाले में आइए, फिर आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये बात हो क्यों रही है। हमारे साथ जोशी साहब भी हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आप कैसे देखते हैं सैम पित्रोदा के इस बयान को? देखिए, हमने तो माननीय हमारे नेता डिंपल यादव जी ने कह दिया है राम मंदिर में हम लोग दर्शन के लिए भी जाएंगे, और माननीय शिवपाल जी ने बोला परिवार सहित जाएंगे। और आज जो ये बन रहा है राम मंदिर, ये केवल केवल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बन रहा है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और इसका निश्चित तौर पर भारत की जो आत्मा है उसमें राम भगवान है, और सभी को जो सेकुलर फॉर्म में विश्वास करते हैं सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, जो समाजवाद हमको सिखाता है, शिक्षा देता है। लेकिन जोशी जी, शफीकुर रहमान बर्क बार बार फिर बयान क्यों देते हैं? बार बार वो ऐसा बयान देते हैं, भड़काऊ बयान, कि देखिए मस्जिद को हटा के कर दिया गया, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, फिर वो पार्टी से अलग लाइन क्यों पकड़ रहे हैं सर? आप तो देखिए कोर्ट का फैसला, आप खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी किस की भावना बिल्कुल साफ है। हम लोगों की नेता बर्क साहब की, आप बर्क साहब की भावना बताइए ना सर, सांसद हैं आपके। किसी की व्यक्तिगत जो भावना है उसको पार्टी की लाइन ना समझा जाए, और निश्चित तौर पे हमारी नेता माननीय डिंपल यादव जी ने उसका स्वागत कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम लोग जाएंगे, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर, समाजवादी पार्टी में कोई भी विवादित बयान दे दे तो वो उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी होती है सर? कि पार्टी की जो हमारे हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपने व्यक्तिगत विचार रखने का अधिकार है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी जो बात कहती है वही पार्टी की लाइन है। चलिए, मैं लौटूंगा आनंद दुबे जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। आनंद दुबे जी, कैसे देखते हैं आप, समाजवादी पार्टी को सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया आपने? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब से राम मंदिर पर फैसला आया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से तकलीफ जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी। और देखिए ये क्या कहते हैं, पहले क्या कह रहे थे, निमंत्रण सबको भेजना चाहिए, भगवान राम सबके हैं, निमंत्रण सबको, हम तो कह ही रहे हैं भगवान राम सबके हैं। लेकिन जब आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आपने अयोध्या को अस्पृश्य बनाकर रखा, भगवान राम 27 साल टेंट में पड़े रहे, लेकिन आपने कोई प्रयास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार उसके निर्माण में रोड़े अटकाने का काम, सुनवाई में रोड़े अटकाने का काम किया। चलिए ये सारी चीजें अतीत की चीजें, इनको छोड़ दीजिए। अभी कह रहे थे कि हमें निमंत्रण मिलेगा, निमंत्रण सबको देना चाहिए। अब निमंत्रण मिल गया तो कांग्रेस पार्टी नहीं बता पा रही है कि सोनिया जी और राहुल जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कितने चालाकी से ये कह रहे हैं राम सबके हैं, और उधर सैम पित्रोदा को एक्टिव कर दे रहे कि भाई तुम ये वाला बयान कि प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्टिव कर दिया जाता है हिंदुओं को गाली देने के लिए। उधर इनके जो सनातन विरोधी एजेंडा वाले जो डीएमके है वो अपना अलग राग अलापना शुरू कर देती है। शफीकुर रहमान पर किधर बयान शुरू कर देना शुरू कर देते हैं। तो वही है ना कि पार्टी के जो ये इधर भी दिखना चाहते हैं उधर भी दिखना चाहते हैं, और इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो बड़े पेशो पेश में है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इनको लग रहा है इधर जाएंगे तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, उधर जाएंगे। आनंद दुबे जी, आप राम मंदिर को भुना रहे, तभी तो ये टेंशन में हो गए ना? नहीं नहीं, देखिए राम मंदिर को हम कतई नहीं भुला रहे, भगवान राम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के। क्यों सर, क्यों नहीं भुला पा रहे? ये तो चुनावी घोषणा पत्र में भी रहा आपका, जब से पार्टी आपकी पार्टी शुरू हुई, जब से पार्टी बनी, ये तो आपका एजेंडा है, आपकी आइडियोलॉजी कह सकता हूं मैं तो। आप तो इसी विचारधारा के आदमी हैं, तो फिर आप डरते क्यों कि आप नहीं बुना पा रहे हैं? बुना रहे हैं, आप कहते रहे, आप ये क्यों नहीं मानते आप बुना रहे हैं? अरे सर सुन लीजिए ना, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हमारे एजेंडा का हिस्सा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, धारा 370 हटाएंगे, त्रि तलाक खत्म करेंगे, और जो कहा वो किया। इन लोगों को किसने रोका था, इन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया राम मंदिर के लिए, बताए ना? कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, क्यों नहीं? अरे आप राम मंदिर छोड़ दीजिए साहब, अयोध्या का विकास ही कर देते आप। अगर विवादित ढांचे पर प्रतिबंध था, रामलला के पूजन पे तो कभी प्रतिबंध नहीं रहा, जब वो टेंट में थे तब भी पूजा होती थी, कभी चले गए होते, कभी मस्तक नवा लेते, एक गली ही ठीक करा देते, कोई काम करा देते, आपने कुछ नहीं किया।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भव्य राम मंदिर की बात कर रही थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर्षित है कि भारत कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें जितना योगदान हमारा हो सकता है हम करेंगे। चलिए आनंद जी मैं लौटूंगा, सीताराम दास जी भी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। सीताराम जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के बयान? अब सेम पित्रोदा ने कह दिया कि भाई राम मंदिर पर ही ज्यादा फोकस है, पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है, बाकी चीजों पर बात नहीं हो रही है। 500 वर्षों के बाद जो 500 वर्षों का इंतजार था वह समाप्त होने के लिए जा रहा है और भगवान के भव्य ऐतिहासिक मंदिर में भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तब कोई कहते हैं कि जो है हमें निमंत्रण चाहिए और जब निमंत्रण भेजा गया तो उस पर कोई सवाल नहीं करते हैं कि हमारे जो है सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या खड़गे जी राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर बात ये करते हैं कि ये सियासत जो है सियासत जो ये करना शुरू कर दिए हैं और सपा के जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं लगातार हिंदू धर्म को हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और उनके सपुत्र रहमान जो हैं वो जो है लगातार बाबरी बुद्धि उनकी अभी गई नहीं है। कहा गया है कि जो है व्यक्ति का जो जनाधार समाप्त हो गया और जनाधार समाप्त होने के बाद भी उनकी जो है जो फूट डालो शासन करो यह अभी नहीं गया है। एक संप्रदाय एक कौम एक जाति विशेष की बात करने वाले व्यक्ति आज राम मंदिर पे जिन्होंने 5 लाख लोगों की प्राण की आहुतियां हो गई और 5 लाख लोगों की आहुतियां देने के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं मिली है और वो कुछ करना चाहते हैं। जब अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और हमारे प्रधानमंत्री का जो है निमंत्रण भेजा गया है, ये ट्रस्ट के द्वारा भेजा गया है और ट्रस्ट जिसको चाहेगा बुलाने के लिए और जिसको नहीं बुलाना चाहेगा वो ट्रस्ट के ऊपर है, जिनको बुलाना चाहेंगे वो आएंगे, जिनको नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। फिर इस पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारे पहले जो है ये राष्ट्र के आत्मा है फिर परमात्मा है, जब हमारे परमात्मा परमेश्वर आराध्य भगवान परमात्मा का जब प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रहा है इस पर किसी प्रकार का कोई जो है कटाक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इनको स्वागत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो इनकी बाबरी वाली जो है बुद्धि अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये और कुछ करना चाहते हैं और ऐसा अब हो नहीं सकता है। यतो धर्मः ततो जयः, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म पथ पर धर्म पर कुठाराघात करने वाले व्यक्ति को धर्म ही उससे रक्षा करता है, धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति को धर्म ही उसका सहारा है। हमारे राम जो है रामो विग्रहवान धर्मा, राम का मतलब होता है राम ने राष्ट्र मम ने मंगल, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो ब्रह्मा विधीयते। यह हमारे परमात्मा परमेश्वर जो है यह सबके आत्मा है और फिर परमात्मा है, यह साक्षात धर्म का विग्रह है।